रेस्टोरेंट। आज इस वाईफाई कनेक्ट पॉइंट पर हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर जो कि विद्युत संस्थान का चल रहा है और 12th बोर्ड मैराथन तैयारी का जो चल रहा है, आज हम उस नेक्स्ट लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर आज डिस्कशन करेंगे। उसके साथ साथ मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पर लिखा गया है 12th बोर्ड मैराथन तैयारी, 12th बोर्ड मैराथन तैयारी प्लेलिस्ट को आप ओपन करिए और उसमें आपको स्टेप टू स्टेप केमिस्ट्री के लेक्चर्स आपको मिलेंगे। तो हम लोग आज सीखेंगे, आज हम लोग बहुत सारी चीजें को सीखेंगे कि विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग। हमारा तो क्वेश्चन है विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग, लेकिन हम विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग को न जानते हुए भी जान जाएंगे और उसके साथ साथ हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे उसका सलूशन करेंगे, उस सलूशन को हम ट्रिकी अंदाज में सीखेंगे। सबसे पहले विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहला पॉइंट क्या है, क्रियाशीलता या सक्रियता। ये वर्ड लिखा गया है धातुओं, हमने जो श्रेणी बनाई है प्रीवियस लेक्चर में वो किसके लिए बनाई है, धातुओं के लिए बनाई है। तो आपके लिए लेक्चर्स प्रीवियस लेक्चर में आप देख लें कि किस धातु का मानक कक्षीय अनुप्रयोग क्या होता है, ऋणात्मक होता है, किसका धनात्मक होता है, वो बताया गया है। हाइड्रोजन के नीचे वाले का धनात्मक होता है मानक कक्षीय अनुप्रयोग और ऊपर वाले का ऋणात्मक होता है। तो हम लोग क्रियाशीलता या सक्रियता का मतलब होता है कि धातुओं को अगर इसके अंदाज में हम बोलें, इसके थ्योरी के अंदाज में बोलें, सिंपली भाषा में थ्योरी कहते हैं कि उस धातु की सक्रियता ज्यादा होगी जिस धातु का मानक अपचयन विभव क्या होगा, कम होगा, कम होगा जिसका मानक अपचयन विभव, अगर जिसका मानक अपचयन विभव कम होगा उस धातु की सक्रियता ज्यादा होगी। इसका मतलब यहां पर लिखा गया है सक्रियता धातु की जो होती है व्युत्क्रम अनुपाती होती है, एसआरपी, एसआरपी मतलब मानक अपचयन विभव सॉरी। तो यहां पर हम लोग देखेंगे, तो चलो हम देखते हैं जिसका एसआरपी ज्यादा होगा उसका उस धातु की सक्रियता कम होगी। आप खुद देखें, जैसे बताइए हम आपको क्वेश्चन कर रहे हैं, हम आपका क्वेश्चन है कि आपके क्वेश्चन में ए बी सी डी धातुओं का एसआरपी मानक अपचयन विभव दिया गया है और हम ये सिंपली भाषा में आपसे कहना चाहते हैं किसी धातु का जो सक्रियता धातु इलेक्ट्रॉन को त्यागना पसंद करती है, दैट इज अगर वो मानक दशा में त्यागना पसंद करती है, क्योंकि हमारा ये रूल बना है एसआरपी, मैं तो एसआरपी को उतना विश्वास नहीं करता जितना एसओपी पे करता धातु के लिए। अगर जिसका एसआरपी एसआरपी और एसओपी का मतलब खुद समझ सकते हैं, धातु में क्या करना पसंद करते हैं, ऑक्सीकरण। तो इसमें दिया क्या गया है, अपचयन दिया गया, खुद आप समझ सकते हो कि धातु में अपचयन करना नहीं पसंद करती, जिनमें अपचयन विभव कम होगा उनमें क्या होगा, मानक ऑक्सीकरण विभव ज्यादा होगा। हम उसको भी लगा सकते हैं या हम डायरेक्ट इस फार्मूले से देखें, तो बताओ इस फार्मूले से क्या हो सकता। तो हम लोग फार्मूले से देखें तो बताओ माइनस में, माइनस में आप देख रहे हैं जो संख्या बड़ी होती है वो छोटी मानी जाती है, तो बताओ इसमें एसआरपी का जो क्रम होगा, इसमें एसआरपी का जो क्रम होगा वो किसका होगा, एसआरपी का बढ़ता क्रम क्या होगा, दैट इज एसआरपी का जो क्रम होगा किसका होगा, एसआरपी का जो क्रम होगा, बताओ एसआरपी का जो क्रम होगा उसमें आप खुद देख पा रहे हैं सबसे सबसे कम किसका होगा, सबसे कम किसका होगा, डी का होगा। सबसे कम किसका होगा, डी का मतलब माइनस 3.04 सबसे छोटा होगा, फिर कौन होगा माइनस 2.37, फिर कौन होगा माइनस 1.36, फिर कौन होगा माइनस 1.18। आप खुद देख पा रहे हैं अगर मैं इसको एसआरपी में लिखा हूं तो आप खुद समझ सकते हैं जिसका एसआरपी ज्यादा उसकी सक्रियता कम, तो बताओ ये किसका है, ये तो ए का है, ये किसका है बी का है, ये किसका है सी का है, ये किसका है डी का है। तो बताओ अतः सक्रियता क्या होगी, अतः सक्रियता क्या होगी, जिसका एसआरपी ज्यादा उसकी सक्रियता कम होगी। तो बढ़ते हुए क्रम में चलना है तो बताइए किसका कम होगी सक्रियता, जिसका एसआरपी ज्यादा होगा, मतलब हम कह सकते हैं कि यह एसआरपी ज्यादा है जिसकी सक्रियता सबसे कम होगी, इसका एसआरपी सबसे कम है
तो इसका सक्रियता सबसे ज्यादा होगी, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या बताओ, ए से ज्यादा किसका होगा, बी का, सॉरी किसका होगा, ए से ज्यादा किसका होगा, बी का, बी के ज्यादा किससे होगा, सी का, और सबसे ज्यादा किसका होगा, डी का। ये क्या है, ये क्या है, सक्रियता का बढ़ता क्रम, सक्रियता का, सक्रियता का बढ़ता क्रम, क्या बढ़ता क्रम। मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताता हूं, जिसका एसआरपी ज्यादा उसकी सक्रियता धातु की कम, खुद देख लो, इसकी एसआरपी ज्यादा सक्रियता कम, खुद देख पा रहे हैं, ये सिंपल तरीका होता है, हमें पता जिसका एसआरपी कम होगा उसका एसओपी ज्यादा होगा, मतलब ये तो भैया विद्युत रासायनिक श्रेणी अपना कहती है, लेकिन हम ये जानते हैं कि जिसका एसआरपी, जिसका एसआरपी क्या होगा, हमें पता है एसआरपी माइनस क्या होता है, एसओपी होता है, तो धातु में एसओपी प्रवृत्ति ज्यादा होती है, तो इसका मतलब खुद समझ सकते हो, अगर एसओपी देखा जाए तो बताओ धातु में ऑक्सीकरण की सक्रियता ज्यादा होती है ना, खुद देख लो, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 3.04, ये प्लस हो जाएगा, खुद आप समझ सकते हैं, इसका मतलब सामान्य भाषा में समझ लो, जिसका एसओपी ज्यादा, अगर जिसका मानक अपचयन विभव कम होगा उसका मानक ऑक्सीकरण विभव ज्यादा होगा, ये क्या है सक्रियता का। ऐसे क्वेश्चन आपको आते हैं। नेक्स्ट, दूसरा पॉइंट आपको ये बताना चाहता हूं कि जो अधिक सक्रिय धातु होती है वो कम सक्रिय धातु क्या करती है, उसके लवण के विलयन से उसको क्या करते हैं, विस्थापित कर देते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपको ये दिया जाता है, ये ध्यान दो, अधिक सक्रिय धातु कौन होती है, जिनका मानक अपचयन विभव क्या होता है, कम होता है, इसका मतलब विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे चलने पर धातु की सक्रियता घटेगी, क्योंकि मानक अपचयन विभव बढ़ेगा, बढ़ेगा क्योंकि धातु में क्या होती है, अपचयन करना नहीं चाहते। तो यहां पर क्या होगा कि एक क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन ये होता है, अगर जिंक धातु को नीले रंग के कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबो दिया जाए, ये इक्वस जली होता है, डुबो दिया जाए तो क्या होता है, क्या होता है, नीला रंग गायब हो जाता है, कॉपर सल्फेट विलयन के साथ नीला रंग का होता है। आपसे क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जिंक को जब नीले रंग कॉपर सल्फेट विलयन में डुबोया जाता है धातु को, तो वो विलयन का नीला रंग गायब हो जाता है, तो क्यों गायब हो जाता है ये समझने की कोशिश करो। तो आपको पता है, आपको पता है कौन सी धातु ज्यादा सक्रिय है, क्योंकि इसका ये आप समझ सकते हैं कि ये हाइड्रोजन के ऊपर है, मानक अपचयन विभव माइनस में होता है, और ये हाइड्रोजन के नीचे है, जिसका मानक अपचयन विभव क्या होता है, प्लस में होता है, और हमें पता है जिसका मानक अपचयन विभव कम होगा उसमें सक्रियता ज्यादा होगी, अर्थात उसमें ऑक्सीकरण की प्रवृत्ति ज्यादा होगी। तो बताओ जिंक क्या करता है, अधिक सक्रिय है, जो कि क्या करता है, खुद समझ लो, ये अधिक स्ट्रांग है, जब अधिक स्ट्रांग है तो बीक वाले क्या कर देगा, धातु को वहां से हटा देगा और कहेगा आप जाइए मैं इसके साथ पार्टनर बनूंगा। तो जिंक इसके साथ का पार्टनर बन जाता है, सल्फेट के साथ बना क्या देता है, जिंक सल्फेट, और आपका जो कापर होगा वह अवक्षेपित हो जाएगा, मुंह बनाकर डीएनए से नीचे बैठ जाएगा, मतलब कापर अवक्षेपित हो जाएगा, एकदम न्यूट्रल हो जाएगा, ये हो जाता है। उसका रीजन क्या है ये बताओ, अधिक सक्रिय है, अधिक सक्रिय है, अधिक सक्रिय है, ये क्या है, कम सक्रिय है, कम सक्रिय क्यों है, कम सक्रिय क्यों है, क्योंकि इसका एसआरपी, क्योंकि इसका एसआरपी प्लस होता है, और इसका एसआरपी क्या होता है बताएं, इसका एसआरपी माइनस होता है, इसका एसआरपी माइनस होता है। हमें दो आंसर मिल गए, हमें दो आंसर मिल गए। आपसे ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ सकता है कि जिंक धातु कॉपर सल्फेट के विलयन से जिंक को कॉपर को विस्थापित कर दे, ये तो सही है, लेकिन क्यों सिल्वर धातु जिंक, सिल्वर धातु कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित नहीं करती, क्यों नहीं करती, अगर मैं कहूं कि क्या जिंक धातु कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित करेगी, तो यस करेगी, कॉपर सल्फेट के विलयन से कापर को जिंक धात विस्थापित कर देती है। ये हमारा अच्छा प्रश्न है, अच्छा आंसर भी है, लेकिन अगर मैं कहूं क्या सिल्वर धात
जिंक सल्फेट की विलयन से जिंक को विस्थापित करेगी, क्या ऐसा होगा? क्या ऐसा होगा? यहां पे क्या बन जाए? Ag2SO4। क्या ऐसा हो सकता है? Ag2SO4 मतलब Ag2SO4 बने सिल्वर सल्फेट और यहां जिंक ऑक्सीड। क्या ऐसा होगा? कभी नहीं होगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं कभी नहीं होगा। ये कमजोर है, ये कम सक्रिय है, ये क्या है? अधिक सक्रिय है। ऐसा क्यों है बताओ? ऐसा क्यों? क्योंकि इसका SRP क्या है? प्लस है। इसका क्या है? माइनस है। तो बताओ ये अभिक्रिया होगी? कतई नहीं होगी। ये हमारा क्वेश्चन गलत है। हम डायरेक्टली बताएंगे कि कम सक्रिय धात कभी अधिक सक्रिय धात को उसके लवण के विलयन में स्थापित नहीं कर सकती। ठीक है, क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि जिसका SRP ज्यादा होगा उसमें ऑक्सीकरण कम होगा, उसमें ऑक्सीकरण कम होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अम्लों से हाइड्रोजन गैस गैस के विस्थापन की प्रक्रिया के विस्थापन की अभिक्रिया विस्थापन की अभिक्रिया ये हमारा एक कमाल का टॉपिक है। मतलब अम्लों से ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, अम्लों से H2 गैस के विस्थापन की अभिक्रिया। मतलब आपको अभिक्रिया दी जाएगी, धातुएं दी जाएंगी, उसमें अम्ल के साथ अभिक्रिया कराना है और बताना है कौन सी ऐसी धातु है जो अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को वहां क्या करती है? उसको बाहर भेज देती है। तो वह धातु होगी, वह धातु अम्ल से हाइड्रोजन गैस विस्थापित करेगी, अम्ल से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करेगी, जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में क्या होगी? जो विद्युत रासायनिक क्या होगी? हाइड्रोजन से क्या होगी? ऊपर होगी। अर्थात जिसका SRP, जिसका SRP क्या होगा? ऋणात्मक होगा। जिसका SRP ऋणात्मक होगा वह क्या करेगी? अम्लों से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देगी। SRP ऋणात्मक होने का मतलब उस धातु में क्या ज्यादा होगा? उस धातु का SOP क्या होगा? पॉजिटिव होगा। मतलब वह धातु जैसे जिंक है, ये क्या है? हाइड्रोजन है। ये प्लस में रहना पसंद करता नहीं। जिंक के सामने इसको अपने आप क्या करना पड़ेगा? अपने को रिड्यूस करना पड़ेगा। किस में लेकर जाना पड़ेगा? H2 में। और ये जिंक अपने आप को क्या कर देगी? जिंक को जिंक आयन में बदल देती है। क्यों? क्योंकि हमें पता है इसका SRP कम होता है, SOP ज़्यादा होता है। और आप सभी जानते हैं कि इसका तो SRP SOP दोनों शून्य होते हैं। तो जनरली भाषा में हम समझते हैं कि जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में क्या होते हैं? हाइड्रोजन के ऊपर होती है धातु में, वो अम्ल से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देती हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल ये आपका है जिंक, ये किसमें डाला गया? H2SO4। क्या होगा? खुद समझ सकते हैं। जिंक अपने आप को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। ये क्या बना देगा? जिंक सल्फेट और बाहर कौन जाएगी? हाइड्रोजन गैस। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमें पता है कि यहां पे क्या है? H+ है, 2S+ है। यहाँ पे क्या है? जिंक है। ये जिंक अपने को क्या करना चाहता है? Zn डबल प्लस। और हाइड्रोजन अपने आप क्या करना चाहता है बताओ? हाइड्रोजन क्या कर रहा है? यही दो इलेक्ट्रॉन को लेकर, इसी दो इलेक्ट्रॉन को लेकर किसमें जा रहा है? H2 में। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमें पता है इसका क्या होता है? इसका SRP माइनस। इसका SRP जब माइनस होगा तो बताओ SOP क्या होगा? प्लस होगा। मतलब इसमें ऑक्सीकरण प्रवृत्ति ज्यादा होगी, इसमें ऑक्सीकरण प्रवृत्ति कम होगी, और जिसमें ऑक्सीकरण प्रवृत्ति कम होगी उसमें अपचयन प्रवृत्ति ज्यादा होती। इसलिए हाइड्रोजन क्या करता है? जिंक से इलेक्ट्रॉन लेकर किसमें चला जाता है? H2 में चला जाता है। अपने को रिलैक्स महसूस करता है, ऐसा होता है। लेकिन मैं अगर क्वेश्चन कहूं, या दूसरा इसका आंसर ये होगा कि जिंक विद्युत रासायनिक श्रेणी में क्या? हाइड्रोजन के ऊपर है। अगर मैं क्वेश्चन करूं
क्या क्या सिल्वर धात को HCl में, क्या सिल्वर धात HCl से क्रिया करके H2 गैस विस्थापित करेगी? करेगी? नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि सिल्वर धात विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन की कहां है? नीचे है। अर्थात यह सिल्वर धात हाइड्रोजन गैस को विस्थापित नहीं कर सकती। इसका आंसर यही होगा कि जिंक धात अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देती है, लेकिन सिल्वर धात क्यों नहीं करती? तो आप बस इसका आंसर यही दीजिएगा कि वे धातुएं ही अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करती हैं जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर होती हैं और लेकिन नीचे वाली विस्थापित नहीं करती। इसलिए ये क्या है, जिंक ऐसा नहीं करता। लेकिन मेरा अपना फंडा है भाई, इसका एसआरपी ज्यादा होता है तो एसओपी क्या होगा, कम होगा। मतलब ये हाइड्रोजन सामने अपने को आक्सीकृत करना पसंद नहीं करेगा, नहीं करता, इसलिए ऐसा होता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक, ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक का मतलब क्या होता है? जिसको कुछ नहीं आता वो समझ ले, ऑक्सीकारक का मतलब होता है अपचयन, अपचयन, अपचयन को कहते हैं ऑक्सीकारक और अपचायक को कहते हैं, अपचायक को कहते हैं ऑक्सीकारक, ऑक्सीकरण। तो भैया आप ये बता दें कि मेरी विद्युत रासायनिक श्रेणी किस पर बनी है? अपचयन पर बनी है, मानक अपचयन विभव पर बनी है। तो बताओ मेरा एक फंडा, एकदम जबरदस्त फंडा मेरा कहता है कि ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक क्या होगा? समानुपाती किसके होगा? मानक अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव। बोलो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यस आर पी। क्या बोलते हैं? यस आर पी। क्या गजब का है यस आर पी, ये आप देख पा रहे हैं। और हमें पता है ऑक्सीकारक को उल्टा अपचायक होता है, इसको कहते हैं ऑक्सीकरण। तो खुद समझ सकते हो इस समय हम ऑक्सीकारक पर बात कर रहे हैं। तो बताओ ऑक्सीकारक अगर मैं बात करूं तो खुद समझ सकते हो, जैसे क्वेश्चन दिया गया ए बी सी तथा डी की क्रमशः एसआरपी दिए गए हैं, ये क्रमशः एसआरपी दिए गए हैं, एसआरपी दिए गए। इसका एसआरपी कितना है? प्लस 0.34। इसका दिया गया है प्लस 1.50। कितना दिया गया? प्लस 1.50। इसका दिया गया है अब माइनस 1.06। इसका दिया गया है प्लस 1.23। ये ऐसा दिया गया है। तो आपसे पूछ रहा है इन्हें ऑक्सीकारक के बढ़ते हुए क्रम में रखिए, इन्हें ऑक्सीकारक के बढ़ते हुए क्रम में रखिए। क्या गजब का क्वेश्चन है, ऑक्सीकारक के बढ़ते हुए क्रम में रखना है, बताओ क्या गजब का क्वेश्चन, बताओ। तो ऑक्सीकारक को ढूंढना है तो अपचयन को ढूंढो, और अपचयन को ढूंढना है विद्युत रासायनिक श्रेणी को ही ढूंढ लो, जो क्या कहते हैं मानक अपचयन विभव का, जिसका मानक अपचयन विभव ज्यादा होगा उसमें ऑक्सीकारक प्रवृत्ति क्या होगी, ज्यादा होगी। तो बताओ इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर क्या होने वाला है, जिसका मानक अपचयन विभव ज्यादा होगा उसमें ऑक्सीकारक प्रवृत्ति ज्यादा होगी। तो बताओ सबसे बड़ा कौन है? बी है। सबसे छोटा कौन है? सी है। तो सी से ज्यादा किसका होगा? सी सबसे छोटा है, उससे भी छोटा कौन है बताओ, उससे भी छोटा कौन है बताओ, उससे छोटा है ए, ए है। फिर क्या है बताओ, एक जस्ट बात क्या है, डी है। और डी की बात क्या है, आप खुद देख पा रहे हैं क्या है आपका, बी है। खुद देखिए, आप खुद इसको देखिए, सी का अपचयन विभव कितना है देख पा रहे हैं, माइनस 1.06। बोलो है कि नहीं? इसका कितना है? प्लस 0.34 है। बोलो इसका कितना है? प्लस 1.23 है। और इसका है प्लस 1.50 है। आप खुद देख पा रहे हैं कि जिसका क्या होता है मानक अपचयन विभव ज्यादा होता है उसमें ऑक्सीकारक प्रवृत्ति ज्यादा होती है। ये हमारा क्या है, ऑक्सीकारक प्रवृत्ति का बढ़ता क्रम है, ऑक्सीकारक प्रवृत्ति का बढ़ता क्रम है। क्या गजब का आंसर था, यह ऑक्सीकारक प्रवृत्ति का बढ़ता हुआ क्रम है। लेकिन और नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं अपचायक,
अपचायक बताओ क्या होगा? आक्सीकारक का उल्टा होगा। मतलब अपचायक मतलब होता है आक्सीकरण होता है। तो खुद बताओ विद्युत रासायनिक शरीर किसको बात करती है? अपचयन की बात करती है। इसका मतलब क्या होगा? जिसका मानक अपचयन विभव ज्यादा होगा उसमें अपचायक गुण कम होगा, उसमें कम होगा, इसका उल्टा होगा। देखते अपचायक गुण क्या होगा? धातु का अपचायक गुण व्युत्क्रमान पाते होगा किसके? एसआरपी की। जिसका एसआरपी ज्यादा उसमें अपचायक गुण कम होगा, दैट इज ऑक्सीकरण उसमें कम होगा। तो बताओ अगर क्वेश्चन दिया गया जिंक, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड को अपचायक के गुण में बढ़ते हुए क्रम रखिए और सभी का एसआरपी भी दिया गया है, गजब का एसआरपी दिया गया है। इसका दिया गया कितना? -0.76, इसका +0.34, इसका कितना दिया है? +0.80, इसका दिया है +1.50। बताओ जिसका एसआरपी ज्यादा उसमें अपचायक गुण सबसे कम। तो बताओ सबसे कम अपचायक गुण किसमें होगा? सबसे कम अपचायक गुण जिसका एसआरपी ज्यादा, तो बताओ सबसे ज्यादा एसआरपी किसका है? गोल्ड का सबसे ज्यादा है। इसका मतलब सबसे कम अपचायक गुण होगा। फिर किसमें होगा सबसे कम अपचायक गुण? बताओ सिल्वर का। फिर किसमें होगा बताओ? कॉपर का। सबसे अधिक अपचायक गुण किसमें होगा? जिंक का। मतलब ये क्या है बताओ? अपचायक गुण का क्या बढ़ता क्रम। मतलब इसको हम कह सकते हैं ऑक्सीकरण का बढ़ता क्रम। आप खुद समझ सकते हैं जिंक में ऑक्सीकरण पर भी जाता है क्योंकि उसको उल्टा कर दो एसआरपी को तो एसओपी बढ़ जाएगा। खुद समझ लो ये सब माइनस चले जाएंगे, ये सब क्या हो जाएंगे? प्लस में चले जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन हमें मिलेंगे, अपचायक पर आधारित क्वेश्चन मिलेंगे और ऑक्सीकारक पर आधारित क्वेश्चन मिलेंगे, अम्ल में विस्थापन अपक्रिया पर आधारित क्वेश्चन मिलेंगे, सक्रियता पर आधारित क्वेश्चन मिलेंगे। इन सभी क्वेश्चनों को हम कहां से आंसर देंगे? सभी क्वेश्चनों का आंसर विद्युत रासायनिक श्रेणी से देंगे और उसको ध्यान रखते हुए देंगे कि हाइड्रोजन की ऊपर वाली धातुओं में मानक अपचयन विभव ऋणात्मक होता है और नीचे वाले में क्या होता है? धनात्मक।